बेचने वाला अभियुक्त गिरफ्तार। बताते चले कि खबर है यूपी के प्रयागराज जिले के थाना मांडा अंतर्गत, जहां एक तरफ अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए एसएससी द्वारा संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। पता चला कि थाना मंडा अंतर्गत दो अभियुक्त संदिग्ध रूप से दिखे, जिन्हें वकुलिया गांव से गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से 260 प्लास्टिक जरिकन में 12,580 लीटर अवैध देसी शराब, जिसकी कीमत लगभग 38 लाख रुपए है, एक बोरी खाद, 39 प्लास्टिक की शीशी, 70 लेबल, एक ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद किया गया। देखे प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की यह रिपोर्ट। देखिए, दिनांक 28-29 की देर रात्रि में पुलिस को ये सूचना मिली थी कि एक महिला की चाकू मार करके हत्या कर दी गई है। तत्काल वहाँ पर पुलिस टीम, फॉरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट पहुँची और उस केस में जो हमारा वादी था उनके द्वारा नामजद तहरीर दी गई थी दो अभियुक्तों के खिलाफ। इस पूरे विवेचना में तमाम साक्षियों के बयान लिए गए और जो चाकू था उसको फॉरेंसिक टीम के द्वारा सीज करके मौके से चाकू कहाँ से आया और इसके पहले की जो भी परिस्थितियाँ बनी थी अभी तक की विवेचना में, एक अभियुक्त छैलू जो कि मृतका के घर के सामने ही रहने वाला है उसका नाम प्रकाश में आया है, जिसे गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा के लिए भेजा गया है। सर, हत्या के पीछे कारण क्या? देखिए, हमें जो लिखित तहरीर मिली थी जब FIR पंजीकृत की गई थी उसमें वादी के द्वारा बताया गया था कि अवैध संबंधों के चलते जो मृतका हैं उनकी हत्या कर दी गई थी। इस पूरे अभी तक की तफ्तीश में यही बात सिद्ध हुई है कि जो मृतका थी उनके यहाँ पे कुछ लोगों का उठना बैठना हो गया था और जो अभियुक्त है इससे मृतका के संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, इसी जलन के मारे उसने इनकी हत्या कर दी।